जो है भाई ने इतनी डेकोरेशन कंप्लीट कर दी है और ये पता नहीं भाई क्या बना रहे। भाई क्या बना रहे हो? ये केक टेबल। केक टेबल ये इस पे लगेगी क्या? हाँ ऐसी बनती है केक टेबल। भाई लग तो बड़ा मस्त रहा है ये। इस पे लगाओगे इसको? चलो लगाओ उसके बाद में दिखाएंगे। अरे भाई ये तो बड़ा मस्त बड़ा मस्त जुगाड़ कर दिया ये आपने। लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन है यहाँ पे। बलून लगने थोड़े ही लगने, ज्यादा तो लगने नहीं है। ये हमारे कारीगर बलून के कारीगर बलून डेकोरेटर ये भाई हैं। इनका रुक का चलता है सेक्टर 49 में और पूरे नोएडा में ही चला है। शादी बच्चे का मुंडन किसी में भी बलून डेकोरेशन करवाए यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। शोक में भाई 100-200 बलून तो लगा ही दे। सोसाइटी के बाहर ही हमारी गाड़ी धुलती है। ये हमारी सोसाइटी है, इसके बाहर से ही गाड़ी धुलती है। गाड़ी धुलवा के उसके बाद में जाएंगे हम। मैं एक भाई हैं, उन्होंने बुलाया आज, उनके पास जाएंगे। उसके बाद में हम निकलेंगे काम पे। अपना काम बलून डेकोरेशन का आपको पता ही है। जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल गया आज। गाड़ी में अपना काम होना शुरू हो गया है। आगे दो गाड़ी खड़ी है, एक ऑल्टो खड़ी है, एक ये खड़ी है स्कॉर्पियो, उसके बाद में अपनी है। नंबर वाइज नंबर चल रहे हैं। भाई कह रहे कम से कम 1 घंटा लगेगा धुलने के लिए। खड़े यहीं पे इंतजार करते हैं जब तक गाड़ी धुलवाते हैं। देखते हैं गाड़ी धुलने के बाद में कैसी लगेगी, क्योंकि तुम्हें पता है अभी ट्रक पे से आए पूरी गंदी हो रखी है। अंदर नमकीन कुरकुरे चिप्स वगैरह ये सब पड़े हैं। दुनिया भर का आइटम पड़ा है गाड़ी के अंदर। अभी गाड़ी एकदम गंदी हो रही है अपनी, धुलवाते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। डिग्गी के अंदर भी लग गया, वैक्यूम अंदर भी लग गया। गाड़ी एकदम अंदर से हो गई क्लीन। अरे यार आप आगे देख रहे हो, ये यार ड्रीम है अपना। जल्दी से आप सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, पैसा आने शुरू हो जाए यूट्यूब से। तो ऐसी एक गाड़ी लेंगे हम भी, ब्लैक कलर की। ऐसी गाड़ी क्या अलग ही बात है यार। ब्लैक स्कॉर्पियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा कातिल लगती है। और अभी यार धुलने के बाद ही और ज़्यादा कातिल हो जाएगी। दोस्तों अपनी गाड़ी का नंबर आ चुका है। अब सारी गाड़ी आ चुकी है यहाँ से। अपनी गाड़ी का नंबर आ गया धुलने का। और भाई नीचे कुछ सेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जैक से गाड़ी उठाई जाती है। शायद गाड़ी ऊपर उठाएंगे फिर धोएंगे। ये अपनी शेयर नहीं है का नंबर है। भाई ऊपर जाने के बाद गाड़ी धुलना शुरू हो गई है। भाई चारों तरफ से गाड़ी को धो रहे हैं, नीचे से भी धोएंगे, बढ़िया तरीके से धो रहे हैं भाई फिलहाल तो। अब यार ये गाड़ी ऊपर उठने के बाद में कितनी बेकार लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको दबा दिया हो। पिचकी पिचकी सी लग रही है गाड़ी उठने के बाद में। जैसे गाड़ी चमका दिया भाई ने एकदम चकाचक कर दिया। अब गाड़ी को उतार रहे हैं नीचे। अब ये बाहर से धोएंगे गाड़ी। गाड़ी अपनी नीचे आ गई है स्लोली स्लोली। बिल्कुल नीचे आ गई है गाड़ी इस टाइम। चुकी है गाड़ी धुल के होगी चकाचक। और हम जहाँ घूमने गए थे ऋषिकेश, वहाँ से बाबा जी को लेके आए थे। बाबा जी को बैठा दिया गाड़ी के अंदर। फिलहाल हमारे साथ में जा रही है पानी और पुच्चू, क्योंकि इनको चाहिए बिरयानी। इनको बिरयानी दिलवाने के बाद में हम निकलेंगे यहाँ से। पहले इनको बिरयानी दिलवाते हैं। वेज खाओगे नॉन वेज? वेज बिरयानी खाएंगे। वेज बिरयानी खाओगे तानिया? ओके तानिया भी बिरयानी दिला दी है। बिरयानी दिलाने के बाद हम वहाँ से निकल गए और अभी हम आए हैं कुलेसरा। कुलेसरा पुस्ता भाई का इंतजार कर रहे हैं और भाई भी आ गए हैं। भाई ये रे आ जा, भाई आ गए। अब भाई आ गए तब हमें बहुत खुशी हो रही है। अब निकलेंगे भाई के साथ काम पे। हेलो हाय। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा काम पे। हमें जाना है नोएडा सेक्टर 73 चलने के बाद में थोड़ा सा काम अपना उसको निपटाते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। जब तक के लिए इंतजार करूँगा। लोकेशन पे पहुँच गए। लोकेशन है यहाँ पे। बलून लगने थोड़े ही लगने, ज़्यादा तो लगने नहीं है। ये हमारे कारीगर बलून के कारीगर बलून डेकोरेटर ये भाई हैं। इनका रुक का चलता है सेक्टर
सेक्टर 49 में और पूरे नोएडा में ही चला है नूतन का। शादी विवाह बच्चे का मुंडन किसी में भी बैलून डेकोरेशन करवाए यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। शौक में भाई 100-200 बलून तो लगा ही दें। के अंदर पहुंच चुके हैं जिसके अंदर डेकोरेशन करनी है। हॉल तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये स्टेज है, ये हमें डेकोर करनी है, थोड़ी बहुत डेकोर करनी है। कस्टमर ने कहा मेरे को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़े बहुत बलून लगा देना। बेसिकली बस पता चले कि हाँ बलून डेकोरेशन भी है, इतनी करनी है। अरे हमारे लक्की भाई बैठ चुके हैं बलून फुलाने के लिए। लक्की भाई कितनी देर में ख़त्म कर दोगे इस काम को? एक घंटे में ख़त्म कर दोगे? लक्की भाई को फुलाते 5 मिनट हुए, 5 मिनट के अंदर लक्की भाई ने सारे बलून फुला दिए। भाई की क्या स्पीड है, मानना पड़ेगा। और मुन्नू भाई ने 5 मिनट के अंदर ही सारे बलून की मतलब सारे बलून के बंचेस बना दिए। ये रे बलून, भाई क्या स्पीड में काम कर रहे हो तुम दोनों, करो फटाफट। जो है भाई ने इतनी डेकोरेशन कंप्लीट कर दी है। और ये पता नहीं भाई क्या बना रहे, भाई क्या बना रहे हो? ये केक टेबल ये इस पर लगेगी क्या? ऐसी बनती है केक टेबल? भाई लग तो बड़ा मस्त रहा है ये, इस पे लगाओगे इसको? चलो लगाओ, उसके बाद में दिखाएंगे। अरे भाई ये तो बड़ा मस्त जुगाड़ कर दिया ये आपने। धागे से बनती है। लक्की भाई ने जो वादा किया था 1 घंटे के अंदर पूरा काम तैयार करके दे दिया। लक्की भाई के लिए क्लैपिंग, सारा चेक करा दो एक बार। भाई ने वो केक टेबल बनाई है, भाई ने कर दिया सारा काम ओके। और स्टैंड बना दिया, और ये बच्चा जो लास्ट में आपको दिख रहा है मून और स्टार्स वगैरह सब कुछ बढ़िया करके कर दिया भाई ने। थोड़ा दूर होके पूरा एक बार दिखा दूंगी। ये सारा काम कर दिया भाई ने रेडी। और मुन्नू भाई का इसमें पूरा का पूरा हाथ है। ये बूडू भी लगा दिया भाई ने, बूडू लगा। आगे जाके दिखाओ अपना बूडू। भाई इसमें हम सुई नहीं मार सकते, नहीं तो ये पंचर हो जाएगा। बाकी बूडू लगा दिया है, काला जादू करेंगे बैठ के इसके साथ में। और भाई ने पूरा कर दिया भाई। जैसे ये बेबी शावर है, तुमको क्या लगता है लड़का होगा या लड़की? कुछ भी हो, बेबी होना चाहिए बस। चलो भाई ये भी सही बात है। बाकी ये बेबी शावर जो डेकोरेशन है, लाइटिंग में जैसे कस्टमर ने कहा था उसको थोड़ा बहुत चाहिए, ज्यादा डेकोरेशन नहीं चाहिए, तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन के हिसाब से बढ़िया कर दिया है हमने काम। कस्टमर को फोटोज भी भेज दिए हैं, कस्टमर ने कहा बेस्ट है, एकदम मस्त मजा आ गया है। और काम हमारा डन हो चुका है, अब हम यहाँ से निकलेंगे। भाई बैग पैक कर लो अपना, काम खत्म हो चुका है अपना। ये फार्म हाउस जो है बहुत अच्छा लग रहा है इसके लिए। चलो भाई अब वापस जाते हुए, ये फार्म हाउस की एंट्री। अपना कचरा स्वयं उठाएं, स्वच्छ भारत अभियान। इंडिया अपना कचरा ना करें, कचरा ना करते नहीं हैं, गाड़ पर फैलाते हैं। आ गए हैं कुलेश्वर, अब भाई को छोड़ेंगे यहाँ पे। जी भाई, तो भाई छोड़ जाओ, ओटीपी देनी पड़ेगी भाई। ओटीपी भाई कैब है, छोड़ जाओ भाई अब तुम। तो भाई रोड पे छोड़ दोगे क्या? जी भाई बिल्कुल छोड़ देंगे। अब हम निकलते हैं यहाँ से, हम चलेंगे सीधा घर। तानिया हमारा इंतजार कर रही है, एक बार फोन भी आ चुका है तानिया का, पापा कहाँ हो? पापा जा रहे हैं तानिया के पास। बाकी यार बारिश जब से हो रही है रुक रही है, इन सब चीज़ों में मौसम बहुत सुहाना हो जाना है। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, एकदम मस्त मस्त मौसम हो रहा है। चलते हैं फटाफट पहले घर चलेंगे, उसके बाद में हम शाम को फिर निकलेंगे, क्योंकि हमको शाम को जाना है बैठक में। हम लोग शाम को जो है बैठक में बैठते हैं भाई के साथ में, मौज करते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी। चलान काटने के लिए शाम का टाइम हो चुका है, कंपनी की होगी छुट्टी। और कंपनी की छुट्टी होने के बाद में भाई लोग बाग ऐसे भगते घर को जैसे किसी ने भैंस खोल दी हो। जैसे भैंस खोलते कूटे पे से इधर उधर को खोल है ना, ऐसी भाई कंपनी की जैसी छुट्टी होती है लोग बाग ऐसे भगते घर के लिए। सही भी है यार, पूरे दिन कंपनी के अंदर बंद रहते हैं, छुट्टी होगी तो घर ही जाएंगे और जाएंगे, और भीड़ हो जाती है यहाँ पे। सुबह एक तो सुबह 10 बजे तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, सब कंपनी के लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे 5 बजे से शाम के 8-9 बजे तक इतना ही ट्रैफिक शेप रहता है, क्योंकि फिर कंपनी से घर के लिए आते हैं। सुबह शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला है यहाँ पे,
वाले सुबह चले जाते हैं यार, बाकी जो घर में रहते हैं इधर उधर आने जाने वाले लोग वो जाते ही नहीं है, क्योंकि अभी तो दो चार दिन से बारिश हो रही है, और बारिश नहीं होती है तो धूप इतनी निकल जाती है कि कोई वैसे ही नहीं निकल पाता अपने घर से बाहर। यही मैटर है थोड़ा सा जाम लग रहा है थोड़ा ज्यादा। अब मैं घर पहुँचने से, घर पहुँच के करते हैं बात, पहले घर चलते हैं यार, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, घर पहुँच के बात करते हैं। पहुँच चुके हैं अपनी सोसाइटी में, गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, पार्किंग में लगाने के बाद चलते हैं ऊपर नानी के पास। अपनी पार्किंग जो यार B2 में बहुत नीचे जाना पड़ता है, अभी इतना ही ऊपर आना पड़ता है। वेलकम होम। तानिया कहाँ सो गई, अभी तो फोन आया था। तानिया सो रही है, गुड नाइट।